आईपीएल 2024 के टूर्नामेंट में पहली बार अनुष्का शर्मा को बीच मैदान पर विराट कोहली और अपनी टीम को चेयर्स करते हुए देखा गया। अनुष्का शर्मा जब बीच मैदान पर मैच देखने आई तो विराट कोहली के साथ आरसीबी का प्रदर्शन भी शानदार रहा। टीम ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करी तो विराट ने मैच के बाद अनुष्का शर्मा को बीच मैदान पर ही फ्लाइंग किस दे दी और विराट का यह व्यवहार देख सिराज की भी हंसी छूट गई। तो चलिए बताते हैं आपको दिल जीत लेने वाले पूरे मोमेंट के बारे में। लेकिन अगर आप भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी को पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और शुरुआत बेहद शानदार 19 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिरा लिए। जैसे तैसे गुजरात की टीम 147 रन के स्कोर तक पहुँच पाई और उसके बाद आरसीबी की शुरुआत इतनी खतरनाक रही कि 6 ओवर में 92 रन दोनों बल्लेबाजों ने लगा दिए थे। डुप्लेसिस ने 23 गेंद में 64 रन की पारी खेली तो विराट कोहली ने भी 27 गेंद में 42 का योगदान दिया। लेकिन उसके बाद मुकाबला एकदम से पलट गया। कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। 117 के स्कोर पर 6 विकेट गिर गए थे लेकिन दिनेश कार्तिक ने 21 रन अंत में बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। उसके बाद टीम इस मुकाबले को 4 विकेट से जीत गई। लेकिन जीतने के बाद विराट कोहली काफी ज्यादा खुश नजर आए। बीच मैदान पर वह जब देखे गए तो अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को देखकर इतनी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे कि उन्होंने फ्लाइंग किस ही दे दी। विराट कोहली यह मान रहे थे कि अनुष्का शर्मा भी उनके गुड लक में से एक है। उनके आने से लगातार आरसीबी की टीम 2 मुकाबले जीत चुकी है, इसलिए उन्होंने फ्लाइंग कैसे दिए और इतने सारे दर्शकों के बीच विराट कोहली बिल्कुल भी नहीं शर्माए। लेकिन यह सब पूरा मामला देखने के बाद सिराज वहां पर मौजूद थे और वह हंस रहे थे। सिराज का मानना था कि विराट भाई बिल्कुल भी शर्माते नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने भी उन्होंने किस दे दी, इस मामले को देख वह काफी ज्यादा जोर जोर से हाथ रहे थे। लेकिन विराट भी उन्हें देखकर हंसने लगे। लेकिन उन्होंने अनुष्का के साथ कोई समझौता नहीं किया और सभी के सामने उन्हें किस देकर यह बता दिया कि उनका प्यार सच्चा और कितना ज्यादा लॉयल है। वैसे आप सभी विराट अनुष्का के क्यूट मोमेंट को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।